नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां चमोली जनपद के पांचाली क्षेत्र में कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी रंगीलो कौथिक मेला आयोजन के मौके पर पहुंचे और बतौर मुख्य अतिथि करीब 13.5 लाख की घोषणाएं कर एक बार फिर क्षेत्र की जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रियांशु मुयाल की रिपोर्ट। आपको बता दें, कर्णप्रयाग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने पांचाली क्षेत्र में रंगीलो कौथिक के आयोजन पर जिस जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस स्थान के लिए 10 लाख की स्वीकृति के साथ मंच के लिए भी 2.5 लाख रुपए की स्वीकृति की घोषणा की। वहीं कौथिक मेला आयोजन करने वाली कमेटी को 1 लाख रुपए देने की भी मंच से घोषणा की गई। सभी घोषणा को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं इसी के साथ क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि मुझे क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था तब भी इस क्षेत्र की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, इसलिए आज मेरा ये दायित्व बनता है कि क्षेत्र की जनता के प्रति मैं कुछ करूं। साथ ही विधायक ने इस बात का ऐलान भी किया कि आने वाली 18 जनवरी को रंगीलो कौथिक के समापन अवसर पर वो 22 गांव की महिला मंगल दल की सभी टीमों को 3,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी देंगे। इसके पीछे विधायक ने कारण बताया कि आज जहां पहाड़ खाली हो रहे हैं उन पहाड़ों को बचाने में महिलाओं की भूमिका अपने आप में एक मिसाल है। महिलाएं ही पहाड़ों में बसी हैं और पहाड़ों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी कोशिश में नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि अगर पहाड़ों को बचाना है तो महिलाओं और पहाड़ में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा ये अनुभव रहा है कि हमने अपने मेले में ये कोशिशें लगातार की हैं कि हमारी माता और बहनों में जिनमें बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि क्षमताएं हैं उनको निखारने की आवश्यकता है। हमने जो भी मेले होते हैं हम निश्चित तौर से ये आह्वान करते हैं कि हमारी माता और बहनें अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग करें और वो प्रतिभाग करती हैं और उसका ये है कि हम लोग उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और इसी के तहत हमने ये किया है। एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे जो मैदान एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य भी इसका बड़ा सुंदर है और मैं समझता हूँ कि ऐसे स्थान विरले ही होते हैं। जैसा हमारा ये पंचाली है, नाम भी इसका पंचाली विशेष, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई पौराणिक कोई इतिहास इसके सीने में है क्योंकि मैं 30-35 साल से राजनीति में हूँ। इस गांव में पांडव नृत्य से लेकर के तमाम कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैं हमेशा भागीदार रहा हूँ और आज ये जो नई शुरुआत एक नया इतिहास यहाँ पे प्रारंभ हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी जो है तो ये उपलब्धि है और हम इसलिए हमने भी ये कोशिश की है कि मुझसे जितना संभव हो सके, जैसे मैदान के लिए हमने कहा हम 10 लाख रुपया आपको विधायक निधि से दे रहे हैं। हम यहाँ पे मैंने महसूस किया है कि देखिए आपने भी देखा होगा कितनी मेहनत की गई है मंच को बनाने में, तो हमने कहा कि हम मंच के लिए भी 2.5 लाख रुपया इसको देने का काम करेंगे कि अगले साल जब ये मेला हो तो कम से कम हमारा मंच यहाँ पे जो है बन जाए। तो ये तमाम कोशिशें होगी और हमारा गैरसैन विकास परिषद है जिसमें मैं मेंबर हूँ एमएलए होने के नाते, उसकी भी हमारी योजनाएं होती हैं तो उसमें मेरी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल बस्ती से हट के है और यहाँ पे कोई कार्यालय हमारा बन जाए, एक मीटिंग हॉल बन जाए तो इसके लिए मैं परिषद से भी वो कोशिश करूंगा। ये समझ लीजिए मेरा इतना संभव क्योंकि इस गांव से मेरा बहुत बड़ा स्नेह बहुत बड़ा प्रेम रहा है और राजनीति में अगर मैं यहाँ आज खड़ा हूँ तो इस गांव का और इस इलाके का मुझ पे हमेशा बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। मैंने तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ा इन लोगों के भरोसे और केवल 227 वोट मिला, तो मेरे लिए तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वो है और मैं कह नहीं सकता, अपनी खुशी को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। सर आज आप यहाँ पंचाली में पहुँचे हैं, इतने लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, कौथिक आयोजन हो रहे हैं, क्या कुछ विशेष? सबसे पहले तो जो हमारा जो कौथिक है ये रंगीलो कौथिक के नाम से हम लोगों ने इसका आयोजन किया था। संपूर्ण क्षेत्र की हम लोग जो हमारा क्षेत्र है पंचाली का जो हमारा क्षेत्र है हम सब लोगों ने मिल के हमारे पूरे ग्राम सभा ने मिल के इस चीज़ का एक प्लान बनाया था कि मतलब हम लोग भी जो हमारी पहचान है जो हमारी संस्कृति है ये हम लोग की पहचान और संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आज की डेट में कि हम जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है और अगर ये चीज़ अगर विलुप्त हो गई तो हम लोगों को शायद ही अपने आप को उत्तराखंडी कहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, आज युवाओं को यहाँ पे मौका मिल रहा है अपने पुरानी पहचान में, पहली बार भी ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, लोगों में खुशी है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल खुशी है। आपको देख रहे होंगे कि मतलब हमारे मतलब इस मेले में इतनी महिलाओं ने ग्राम सभा में महिलाएं मेहनत कर रहे हैं, हमारे युवा हैं, सबने इतना अच्छा प्रतिभाग किया है और आप इतने ठंड में भी इतने ऐसी जगह में ये क्वेश्चन में मेला हो रहा है तब भी उनका कोई
माननीय विधायक जी ने यहाँ पे 10 लाख की घोषणा इस ग्राउंड के लिए करी, आपके स्टेट की घोषणा करी, हमारे किस तरीके से ले रहे हैं? करना भी चाहिए, विधायक जी का अपना गृह क्षेत्र है, विधायक जी यहाँ के लोकल है और भविष्य में मेरे को नहीं लगता कि हमारे पूरे कैप्शन क्षेत्र में इसके बराबर जो जगह हमारे पास है वो कहीं और है और यहाँ होना चाहिए। अगर हमारे जनप्रतिनिधि लोग इन कामों को नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, और करना भी चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।